नमस्कार साथियों, आज हम आपको रिसर्च मेथोलॉजी के अंतर्गत एक प्रिडक्टिव रिसर्च मेथड को हम बता रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट रिसर्च मेथड का भी हमने उदाहरण बता रहे हैं, जो पहले लोकतियाँ हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, प्रिडक्टिव रिसर्च, कॉन्सेप्ट रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च का सबसे बढ़िया आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मुर्गी आई या अंडा, क्वांटम फिजिक्स ने दिया जवाब। क्वांटम फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि रिसर्च जो है दो प्रकार का होता है, एक जो है नेचुरल साइंस होता है और दूसरा सोशल साइंस होता है। नेचुरल साइंस से तात्पर्य यह है कि जितने भी साइंस स्ट्रीम के हैं वो सबको हम जो है नेचुरल साइंस के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि वो नेचर से प्राप्त होता है, नेचर के सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत के आधार पर आपको जो रिसर्च किया जाना है उसको जो है हम लोग जो है नेचुरल रिसर्च के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज़ें, यहाँ पर सोसाइटी होता है, सोसाइटी में लोग होते हैं, उनकी अपनी संस्कृति होती है, उनकी अपनी व्यवहार होता है, जिसको आधार मानकर जो रिसर्च किया जाता है सोशल साइंस रिसर्च कहा जाता है। दो भागों में हमने बांट दिया। तो ये जो हेडिंग बता रहे हैं, पहले मुर्गी आई या अंडा, क्वांटम फिजिक्स ने दिया जवाब, तो ये नेचुरल साइंस के अंतर्गत ये रिसर्च में जो गुथिया थी, जो पहले से जो एक समस्या बनकर उभरी हुई थी, जिन्होंने रिसर्च के माध्यम से इसको ढूंढ निकाला है। सदियों से यह सवाल वैज्ञानिकों एवं दर्शन शास्त्रियों के दिमाग को मतता रहता है, आप बताएं कि पहले कौन आया। यहाँ पर जो है प्रश्न हमेशा उठता है। जब गांव में पढ़े लिखे लोग जाते हैं और जो हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुजुर्ग हमारे दादा दादी उम्र के जो सज्जन व्यक्ति भद्र पुरुष मिलते हैं, तब वो आपसे एक प्रश्न जरूर पूछता है, चल बता तूने पीएचडी कर लिया, तू शहर में साहब बन गया, तो एक प्रश्न का उत्तर दे दे, पहले मुर्गी आई या अंडा। तो आप भी चकरा जाते थे, लेकिन आपको चकराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, क्वांटम जो हमने जो बता रहा था कि हिस्टोरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्ट रिसर्च के अंतर्गत हम जो है देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले अंडा आया या मुर्गी। इस पर प्राचीन काल में ही ग्रीस विचारकों के बीच बहस छिड़ गई थी। ये एक कहाँ से आया, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ग्रीस विचारकों के बीच बहस छिड़ गई थी, प्राचीन काल का विषय था ये। सदियों से यह सवाल वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों के दिमाग को मथता रहता था कि आप बताएं कि पहले कौन आया। आप कहेंगे कि अंडा तो सवाल पूछा जाएगा कि अंडा दिया किसने, और अगर आप कहेंगे कि मुर्गी तो वही सवाल दोबारा पूछा जाएगा, आखिर मुर्गी कहाँ से आई, वो तो किसी अंडे से ही निकली होगी। आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मुर्गी से पहले अंडा आया, लेकिन दोबारा वही सवाल कि मुर्गी तो अंडे से निकली होगी, लेकिन जिस अंडे में वो निकली वो कहाँ से आया। यहाँ पर देखिए, एक एक बात को यहाँ पर आप जो है गौर करेंगे, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत साइंटिफिक रिसर्च इसमें किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोगशाला में इस प्रभाव को देखने के लिए शोधकर्ताओं ने फोटोनिक क्वांटम स्विच नामक एक विन्यास कॉन्फिग्रेशन का उपयोग किया। जो रोमेरो ने बताया कि क्वांटम स्विच के साथ हमारे शोध में दो घटनाओं का क्रम जिस पर निर्भर करता है उसे कंट्रोल कहते हैं। कंप्यूटर के बिट्स का उदाहरण लीजिए, जिसका वैल्यू मान 0 या 1 होता है। हमारे शोध में यदि कंट्रोल वैल्यू 0 है तो बी से पहले ए होता है, और यदि कंट्रोल वैल्यू 1 है तो ए से पहले बी होगा। क्या होता है कि क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास सुपरपोजिशन, एक से ऊपर दूसरी चीज को बैठाने की प्रक्रिया को बिट्स हो सकते हैं, बिट्स के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है कि उनका वैल्यू एक ही समय में 0 या 1 है। इसलिए एक निश्चित अर्थ में हम कह सकते हैं कि बिट्स का वैल्यू अपरिभाषित है।
आपको ये भी रोचक लगेगा, आप सिर खुजलाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों और फ्रांस में NEEL संस्थान ने इसे साबित करने का दावा किया कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अंडे और चिकन दोनों ही पहले आए हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के में ARC सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्वांटम इंजीनियरिंग सिस्टम के भौतिकी विज्ञानी जेकी रोमरे ने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब यह है कि यह किसी तय नियमित क्रम के बिना हो सकती है। वो कहते हैं, आप अपने रोज के आने जाने का उदाहरण लें, जहां आप कुछ दूर ट्रेन से तो कुछ दूर बस से सफर करते हैं। आमतौर पर आप पहले बस लेते हैं और फिर ट्रेन, या फिर उसके उलट। वो कहते हैं कि हमारे शोध में दोनों ही चीज़ें पहले हो सकती है, जिसे अनिश्चितता के कारणों का क्रम माना जाता है। इसे हम अपनी दैनिक जीवन में नहीं देखते हैं। ये फोटॉन्स की भूमिका क्या है? शोध में रूपांतरण दिखता है, या प्रकाश कणों या फोटॉन के आकार में बदलाव, उदाहरण के लिए डोनट या फूल का आकार। रोमरो ने BBC से कहा, यह बदलाव प्रकाशीय ध्रुवीकरण ऑप्टिकल पोलराइजेशन गुण पर निर्भर करता है। इस शोध में ए और बी फोटॉन में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिस क्रम में ये बदलाव होते हैं इसे प्रकाशीय ध्रुवीकरण नियंत्रित करता है। आकार परिवर्तन की कई संभावनाएं होती है, लेकिन इस रूपांतरण और ध्रुवीकरण विकल्प के परस्पर संबंध की भी एक सीमा होती है। शोध के दौरान हमने उस सीमा को तोड़ दिया, फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ए और बी के बीच एक अनिश्चित आर्डर है। यहाँ पर इमेज कॉपीराइट। मेरे 4 साल के बेटे को लगता है कि जब वो सोता है तब सूर्य उगता है। तो एक निश्चित अर्थ में आप यह कह सकते हैं कि कारण और उसका प्रभाव चीज़ों को जोड़ने का एक तरीका है, ताकि दुनिया हमारे लिए मायने रखे। अंडा और मुर्गी वास्तव में दी जाने वाली एक उपमा है। यह कई बार पूछा जाता है कि कौन पहले आया, और हम इस शोध के साथ यही आजमाइश कर रहे हैं कि पहले क्या होता है। निश्चित ही दोनों घटनाएं पहले होती है। यह शोध सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फिजिक्स मैगजीन फिजिकल रिव्यू जनरल अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में प्रकाशित की गई है। साथियों, ये वैज्ञानिकों का जो वैज्ञानिक शोध है, ये फोटॉन्स, ये फिर फोटोनिक क्वांटम स्विच विन्यास कॉन्फ़िगरेशन, ये फिर उसको कह रहा है कि बीड्स का उदाहरण लेते हैं, ये सीधा सीधा आंसर नहीं है। उन्होंने साफ साफ माना, निश्चित रूप से इनके पास भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, केवल उसको सुलझाने की कोशिश किया है, लेकिन पूरी तरह से ये सुलझ नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि साइंस के दृष्टिकोण से ये सुलझ गया होगा, लेकिन रिक्शा चलाने वाले अभी भी संतुष्ट नहीं है। रिक्शा चलाने वाले जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो मेरे गांव के जो मजदूर किसान है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, और मैं खुद PhD हूँ, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन वो लास्ट में यही कह देता है कि दोनों ऑप्शन दोनों पहले आया। मतलब ये नहीं कह रहा है कि ट्रेन और बस, और ट्रेन और बस आपके पास में एक चांस बस का है, एक चांस आपको ट्रेन है, इधर ट्रेन भी है इधर भी बस भी है, और सफ़र करना है, दोनों में से किस में सफ़र करना है, पहले कौन सा सफ़र करना है, जो आ गया उससे पैदा हो गया। इस तरह के जो वैज्ञानिकों की सोच है, वो शोध का अपना ये प्रारंभिक नहीं, बल्कि और भी शोध किए जाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, या जो कॉन्सेप्ट रिसर्च है, ये कॉन्सेप्ट रिसर्च है। ऐसे ही आपको भी सोचना है PhD करने के लिए, कॉन्सेप्ट रिसर्च क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, उसमें कैसे मिलाएंगे इन डिडक्टिव मेथड। जो डिडक्टिव मेथड एक सिद्धांत है, आपका कोई लोकतियाँ है, सिद्धांत बनता है, सिद्धांत से सामान्य कृति होता है, तो इसका जो प्रारूपण है हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो आपको रोज़ हमने एक वीडियो डाल रहे हैं रिसर्च मेथोलॉजी का, उसको आपको देखना चाहिए। थैंक यू।